तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार मेरे पास है कीबोर्ड। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड आ रहे हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके जो स्विच हैं उनके बटन हैं। और कई कीबोर्ड में ऐसे होता है कि कुछ बटन, बहुत सारे बटन काम नहीं करते हैं और किसी में तो बटन ही काम नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा बारीक से समझेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। अब खोलने के बाद क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बैक साइड को आसानी से निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में रख देते हैं। और फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके बैक साइड से निकालना है, सामने से कभी नहीं निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3 लेयर की सीट कीबोर्ड की, टॉप बॉटम और मीडियम, यहाँ 3 लेयर रहते हैं टॉप बॉटम मीडियम। और उसके बाद हमको देखने मिल रहा है सामने में इसका प्लेट छोटा सा। तो उसके बाद आपको बताते हैं इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको देखने मिल रहा है सामने में इसका छोटा छोटा प्लेट रबर की। और यहाँ पर इसका सर्किट कंट्रोल पैलर जो भी बोले आप, यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो हमको लगता है इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें इसका दिक्कत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्किट है इसके प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रहे हैं, इसका सिर्फ कीबोर्ड के जो बटन है उसमें प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो हम उसी को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 3 लेयर सीट, टॉप बॉटम और मीडियम। तो आपको इसको क्या करना है, कैसे करना है, आप आसानी से बता रहे हैं हम आपको। आप इसे घर में भी बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए अल्कोहल, आपके पास अल्कोहल नहीं है तो आप पेट्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉटन का कपड़ा। तो हम लोग इस सीट के तीनों लेयर को आसानी से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करना कैसे है आपको बताते हैं। इसको सबसे पहले अल्कोहल को धीरे धीरे करके प्रेस करके इसमें लगा लेना है। उसके बाद कॉटन के कपड़े को धीरे धीरे करके हल्का हल्का साफ़ करना है, कोई ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो सीट है डैमेज हो सकता है। चलिए तो गाइज़ हमारा जो सीट है वो क्लीन हो चुका है। आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका सीट है जिसमें अल्कोहल लगाए हैं वो अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। आपको सूखने के बाद ही इसमें फिट करना है इसके पैनल में। तो सिंपल से हमारा जो सीट है सूख गया है और उसमें पैनल में हम इसे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर फिक्स होने के बाद सिंपल से हम इसे लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा अच्छी तरीके से लगे ताकि हमारा जो कीबोर्ड है वो काम सही तरीके से करे। तो गाइज़ हमारा जो ये लग चुका है, आपको ध्यान रहना है कि अच्छे से फिट हो जाए यार, यही पर आपको बहुत लोग प्रॉब्लम हो जाती। उसके बाद हम इसके बैक साइड को लगा लेंगे।
गाइस हमारा जो कीबोर्ड है बनकर तैयार हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि एक बात का कि इसमें का सब बटन है वो प्रेस होना चाहिए, काठ बटन जो है कि ऊपर नीचे थोड़ी है, आपको सबसे ध्यान से देख लेना है। चलिए तो अब इसे चेक करके देखते हैं हमारा कीबोर्ड है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज हम लोग आ चुके अपने पीसी के तरफ, तो देखते हैं हमारा जो कीबोर्ड है वो काम कर रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, और चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा जो की है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, हम लोग ऐसी नए नए वीडियो लाते रहते हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो कीबोर्ड को जो बटन है वो काम कर रहे हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो पहले नहीं कर रहे थे अब जो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइप कर रहे हैं दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पे, जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यार लाइक कर देना प्लीज़।